एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अरे ले भाई, ये तेरे पैसे ले। अरे बम्मा ने जल्दी चल यार। उतरुचना पापा। बाबा वाओ पापा जी, मेड इट पापा जी। ये फावड़ा लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? नाव चलाने चलोगी? लौट नाव बाबू भाई, बाहर निकलो। इतनी बोलती रहती है बुढ़िया यार। थैंक यू हनी बाय, थैंक यू सो मच, जल्दी चलो बाबू भाई। डॉक्टर सेंट सेबेस्टियन गार्डन आ गया बाबू भाई। अच्छा मानस, तू डब्ल्यू उस तरफ ढूंढ, मैं इस तरफ ढूंढूं, जैसे मिलेगा आवाज लगा, ठीक है? ओके डब्ल्यू डब्ल्यू बाबाजी। हाँ उस तरफ डब्ल्यू ढूंढिए, मैं इस तरफ डब्ल्यू ढूंढता हूँ। किधर डब्ल्यू है? कहाँ? इसी गार्डन में है डब्ल्यू, हमें ढूंढना पड़ेगा। आप वहां ढूंढिए, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। ओके डब्ल्यू बोले तो उल्टा एम, एम बोले तो W यार, वहां होगा। कमान बमान W है कहां? W होना चाहिए। ये तो सोले वाला है बे। वसूली को पैसा देंगे तो खाएंगे क्या? अबे शराब कैसे पियेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? अगर किसी लड़की को गिफ्ट देना हो तो कैसे देंगे? जीना छोड़ दें। ए, चार कटिंग बना और मेरे लिए एक नान खटाई। पैसा हरे कलर का होता है, उसके ऊपर गांधी जी की फोटो होती है। चल चाय बना। चल चल पैसा दे पैसा। आज तक दिया कभी? नहीं। फिर क्यों मांग रहा है बे? उधार बंद है। तेरा लाइसेंस रिन्यू हो गया? नहीं। म्युनिसिपैलिटी का नंबर क्या है? बनाता हूँ। इलायची और अदरक डालना। बुरी नजर से मत देखो, तुम्हारी भाभी है। कब बनी? तुम लोग रुको, मैं बना के आता हूँ। ओए मुझे भी भाभी बनाना है। जाने दे उनको, मौत के कुएं में जा रहे हैं। वो देख वसूली। अरे तूने भाई को बताया नहीं क्या कि भाई संजय दत्त लगता है यार? वही बॉडी, वही फेस कट, वास्तव का टीका। वसूली भाई, मैंने राजू रानी से बात किया, अगली पिक्चर में आपको लॉन्च करा। लेकिन मेरे वो पैसे, करोड़ों की बात करो, आप छुट्टा जमा कर रहे हो, कैसी बातें करते हो यार? बड़ा चीप लगता है यार। वही पर्सनैलिटी आपकी, थोड़ी सी उसकी डायलॉग डिलीवरी अगर आप सीख जाए तो मजा आ जाएगा। डायलॉग जैसे ए सर्किट मेरे को जादू की झप्पी देना। ए सर्किट अपन को भी वो जादू की झप्पी देना। भाई वो होता ना वॉकिंग की स्टाइल वाइल बॉडी वॉडी तो आपकी फर्स्ट क्लास है। वो सिखाओ, मैं बताऊँ हट हट हट। हाँ ये नहीं, हीरो बन के स्टाइल में खड़े रहने का। नहीं यार क्या कर रहे हैं आप है? ऐसे नहीं, एक पर्सनैलिटी है यार, स्टाइल है, एकदम हीरो टाइप। गौर से देखना। अबे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना? अरे चूना लगा रहा है, पकड़ सड़क को। लेकिन भाई अब ये कौन है? पता नहीं, पता लगाना पड़ेगा।
तो माइक बराबर पकड़। क्या बात है संजू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नताशा तुम्हारा वो दोस्त है ना, राज सिन्हा, उसके बारे में मैंने सब कुछ पता कर लिया है। नताशा वो एक शराबी ही नहीं, वो एक ड्रग एडिक्ट भी है। क्या? हाँ, वो सिर्फ ड्रग लेता नहीं, ड्रग्स बेचता भी है। ओह नो, सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? भाई थोड़ा आगे जाऊं? हाँ, उसके हाथ में माइक दे दे जाके। सीधा खड़ा हो जा। मतलब नहीं जाऊं? तुम उससे दूर रहना नताशा, मेरे खाते। संजू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी पहले यकीन नहीं हो रहा था। राज, ऐसा यकीन नहीं होता ना। लेकिन तो ये लो, पेपर है, पढ़ लो, पुलिस की रिपोर्ट है इसमें। दे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच संजू, तुम अगर नहीं होते तो मैं भटक जाती। मैडम आपका फोन। उसका है। हेलो राज, मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करना चाहती और ना ही कोई रिलेशन रखना चाहती हूँ। और आज के बाद अगर तुमने फिर कभी मुझे मिलने की कोशिश की या फोन करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगी। Be strong, मैं हूं ना। नताशा, शॉट इज रेडी, प्लीज कम। जाओ, तुम्हारा शॉट रेडी है, जाओ। मैं रुकता हूँ, हाँ? एंड नताशा बी स्ट्रॉन्ग। हेलो। अरे वाह, आज नया कुर्ता पहना है, मस्त है। वाह, ये कुर्ता नहीं, कोट है, कोट। अरे कोट तो ये बाबा, ये कोट है, ये कोट है। अरे ये पैंट है। पैंट तो ये है जो हाथ में पहना है। अरे ये टाई है। रुमाल है ये, रुमाल। कहाँ से पता हुआ ये? रुमाल, रुमाल, ये है रुमाल। हाँ। अरे बनियान है। अरे बनियान तो शर्ट के अंदर पहनते यार। जो अंदर पहनते उसको सॉक्स बोलते हैं। सॉक्स। अरे सॉक्स जूती के अंदर पहनते यार। जूते के अंदर जो पहनते उसको अंडरवेयर बोलते हैं। अंडरवेयर। अंडरवेयर। अंडरवेयर नहीं, अंडरवेयर। देखा देखा, आज पहना है। इसको अंडरवेयर बोलते थे। देखा, ये लगता है तेरा घुटना खराब है, तू किसी प्लम्बर से इलाज करा। सच्ची बोलता हूँ मैं। हाँ, प्लम्बर से। ए, फट जाएगा ब्लाउज, फट जाएगा। मस्त कुर्ता है, लेकिन मस्त कुर्ता है। इस लड़की के बारे में और डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी। नहीं भाई, डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी इस लड़की के बारे में। क्या हो गया? कुछ नहीं, नहीं? अरे अरे भाई, दास भाई चौधरी साहब, इधर आओ। ओ क्या हो गया पाल? ये देखो, ये मसाज पार्लर है। हाँ, टिकली। ओ भाई दास भाई, मेरे को तो बोर्ड देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 अंग्रेज लड़कियां है ना मेरे बदन को दबा रही है, मेरे को मजा आ रहा है। अरे साईं, मैं तो फॉरेन घूमने के बहाने इधर इंग्लिश मसाज कराने आया नहीं। तो मैं भी तो गोरे लोगों के हाथों अपना बदन दबवाने ही आया था। और मेरे कैरेक्टर के बारे में तो आप भाभी जी से पूछ सकते हो। तो चले अंदर। लेकिन अगर बीवियों को पता चला तो? हाँ यार। अरे साईं, एक बार अंदर जाएगा नहीं तो लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी, दोनों लोग वाइफ को भूल जाएगा। कोई गड़बड़ होगी ना तो मेरी जवाबदारी। चलो चलो जल्दी चलो। वाह, तीनों गए अंदर। याद है कि रेशम का गोला है यार, ऐसे फिसलता है कि मजा आ रहा है यार। ओ भाई दास भाई, मैं अगर अपनी पत्नी की तारीफ करूं तो आप सुनने के मूड में हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ओ आपने जंगल में कभी हथनी देखी है? नहीं देखी। ओ आप मेरे घर पे आइएगा, मेरी पत्नी को देखिएगा, एकदम हथनी लगती है। मैं मेरी पत्नी की तारीफ करूं? हाँ हाँ जरूर। आपने कभी भूतनी देखी है? सफेद भूतनी? नहीं भाई, चांस तो नहीं लगा कभी। मेरी पत्नी अगर अपने सारे बाल खोल दे तो सफेद भूतनी दिखती है। ओ भाई दास भाई, मेरी भाभी के बारे में तो ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। अरे चौधरी साहब, मैंने कान और फ्यूज उड़ा हुआ है, वहाँ अपना बल्ब लगाने की कोशिश मत कीजिए। ओ बंद क्यों कर दिया जी? अरे चलाओ भाई, क्यों मालिश बंद कर दी? चलाओ भाई। या या या। अच्छा कि आप दोनों ने ऐसे ही मारना चाहिए।
देखते हुए मेरे जैसे शरीर पति को सटाएंगे नहीं। हाँ हाँ, वैसे आपकी पत्नी यहाँ आने वाली नहीं। वो तो शॉपिंग के लिए गई है, पर डोंट वरी, हमने उसे बता दिया है कि तुम्हारा पति भी मसाज पार्लर पे गया है। तो उसने कहा पहले तो तुम अच्छी तरह अपने पतियों को पीट लेना, लेकिन उसके बाद मेरे पति को भी शिकायत का मौका मत देना। क्या मतलब? मतलब अरे मैं चूड़ी लिए बैठा हूँ और तुम गोबर में हाथ डाल रही हो। चलो मुंबई, मर्सिडीज गाड़ी है मेरे पास और एक मारुति 800। बहुत बड़े आदमी हैं ये, इनकी 10-10 मिले हैं शहर में। ये पाखाना में चांदी का लोटा इस्तेमाल करते हैं, इतने बड़े आदमी। अरे तो गलती मेरी है क्या? मैं अमीर हूँ, मुझे प्यार करने का हक नहीं है क्या? तुम कहाँ से आ गए? भागो यहाँ से। फालतू बात मत करना, नारी को भोग वस्तु समझने वाले पापी नीच कलयुग के महाकुंभ हजारी तुम। मुरारी, कोई बात नहीं करना मुझसे। हद से आगे बढ़ जाओ, कल अखबार में खबर छपेगी भैया भाभी ने देवर की हत्या कर दी। गाँव रहा है, गाँव रहा है। अरे चूड़ी पहना, तुम लोगों को गाँव की हिफाजत के लिए रखे हैं और तुम साले गाँव के लोगों को डरा रहे हो। ये चूड़ी उसी को दे देना, चरित्रहीन आदमी। चूड़ी पहनाने आए, जहाँ देखो वहाँ चोरी भूल जाता है ये। तुमको अलग से सर्टिफिकेट देंगे हम। नहीं, मैं तो संभालने के लिए बैठा हूं। हम संभाल लेंगे। ओके चलिए गंड जले। रात बड़ी जल्दी चली गई सोने तुम। हाँ तो क्या हुआ कि वैसे अमिताभ बच्चन जी अंत में जाते हैं मर, तुम पिक्चर विक्चर देखती हो कि नहीं? अजय प्रकाश रिपोर्टिंग सर, टारगेट दुर्जन सिंह हाथी पे बैठा था, घोड़ा उसके हाथ में था, बॉम्ब फेंका, पुलिस स्टेशन को जला कर राख कर दिया। अगर आपका इधर काम खत्म हो गया तो आप कोई अच्छा काम कर लीजिए। जय हिंद। काला टीका लगा लिया करिए। जाइए जाइए। इस गांव की रक्षा करना मेरा फर्ज। हेलो हेलो, listen Mr. Vasuli, they actually tried really very hard, but you know because of some circumstances they couldn't really arrange your cash. I hope you समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा, मगर ये लोग अच्छे नहीं है चिंटू। इन सालों को तो मैं कुत्ते कमीने यही कहेंगे ना वसूली भाई आप हमको। लेकिन हमको कुत्ता कहना तो कुत्तों की बेइज्जती है। हाँ, और हमें कमीने कहना शाहिद कपूर की बेइज्जती है। वसूली भाई पैसों का इंतजाम हो गया था। हाँ, लेकिन नए वक्त पे वो क्या गोलियां चली तुम लोगों पे? अरे नहीं रे, वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डांडे वही आपके पैसे ले गया। पर डांडे तो पुलिस। पुलिस? वो तो पुलिस से भी नहीं डरता है, इतना डेंजरस आदमी है, वो भी आपके आपके पैसे ले गया। मेरे पैसे? नंबर बोल उसका। 9 8 8 2 बस 10 नंबर हो गया। नहीं अभी तो 3 ही हुए, पूरा सुन लो। 9 8 2 हेलो। ए डांडे नावर इस कुत्ते। कौन बोल रहा है? अरे वसूली बोल रहा हूँ, तेरा बाप। काम को ना बीच से मेरा पैसा लेके आ। वरदान 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 क्या काट डालूंगा? पता भी है किससे बात कर रहा तू? हाँ पता है पता है, सैकड़ों बाप की एक इकलौती औलाद से बात कर रहा हूँ। वेरी गुड। सैकड़ों बाप की औलाद को गंदारी गाड़ी पे बैठ, चल जल्दी। साले लुच्चे टुच्चे बाजारू मोहल्ले के गुच्छे। बाजारू दिखता हूँ कि मैं तेरे को, तू मरेगा मेरे हाथ से। तू भाई रोक। अबे साले एक नंबर के भिखारी, बासी तरकारी, कोढ़ की बीमारी है। अबे इतनी गोलियां मारूंगा, इतनी गोलियां मारूंगा कि आत्मा भी कंफ्यूज हो जाएगी किधर से निकलूं। पुलिस आ गई पुलिस। गोपाल लगता है कोई लंबा अंदर जाने वाला है। किधर था मैं? हाँ अबे मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मैं तेरे को फाड़ दूंगा, बीच के बीचों बीच गाड़ दूंगा। हाँ अबे तू आता है कि मैं आऊं? अरे हो ही जाए फाइनल। हाँ बोल। आ गया मैं। अबे आ गया मैं इंस्पेक्टर डांडे। मेरे से पैसा मांगता है तू? ए शाणे।
हमारे साहब जो सबसे लेते हाँ। तो उनसे मांग रहे हैं। गंधारी शट अप यार। अरे क्या शट अप, आप लावरिस कुत्ते हो, आप सब आपकी एक औरत हो। अरे रिपीट तेलिकस न कोई करे सगला समोर ये लगे उठा के बात कर। सॉरी साहब, इन तीनों ने कहा था साहब। किन तीनों ने? किन तीनों ने? इधर है मामा बनाता क्यों उठा के ला। वेलकम्स वेलकम्स, ये गैराज आपके लिए खोल कर बैठे हैं। होंडा फरारी लेक्सस हमर ब्रांड न्यू तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, सेकंड हैंड तो मिलेगी मिलेगी। हमें भी वैसे सेकंड हैंड गाड़ी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हटके है ना। वन टू थ्री वाव, BMW? नहीं नहीं, मर्सिडीज है। व्हाट? सस्ती है, सिर्फ 40,000 दिरहम। 40,000 में दे देता, लेकिन एक छोटा प्रॉब्लम है। गाड़ी आगे से मर्सिडीज, पीछे से BMW, 50-50। मैं सिर्फ 50% देने को तैयार हूँ। ये लो जी, 100% BMW, कहीं और लगा दे। ओके, बस आज कर। थैंक यू मैन। डैंग, इससे कहते गुड डील, समझे मैन? गुड डील। गाड़ी में बैठ के बड़ा अपनापन महसूस हो रहा है। ये तो अपने प्रीति है मैन, ये तो अपने गाड़ी है। Come, Dang. This is my car. This is my car. Hey, look. This is my car. Yours, yours. पूरे पैसे दिए तो गाड़ी तुम्हारी हुई। ये ले भाई, गिन ले। कल कैरफोर का पार्किंग लॉट से चोरी हुई थी। वो तो इसी की गड्डी उठा लाया। आज 5 बजे उठ जाऊंगा। अबे जिसकी गड्डी है वही खरीदने आया है। जल्दी से पैसे रिफंड करो, जल्दी। तुम सब चोरों। चोर बोल रहा पाजी। ओए जुबान संभाल के बात कर, ये शरीफों का मल्ला है। देख ले तुम्हारी शराफत, मुझे मेरे पैसे रिफंड करो वरना। वरना क्या करेगा तू? गैंग क्या करेगा? मुन्ना मुन्ना, धरती हिली। मुन्ना मैं बताता हूँ। ये क्या बताएगा, हम बताता है। ये गाड़ी चोरी। ए, क्या चोरी चोरी कर रहा है? गड्डी चुरा कर ले जाएगा। हम ये गाड़ी लेके जाएगा और पैसा भी। देखा देखा मुन्ना, देखा कैसे दादागिरी कर रहा है। ओए तू गड्डी को एक बार हाथ लगा के दिखा। देखा ओए कूल कूल, देखते हैं हमको कौन रोकता है। ओए मुन्ना, पीटे भाई आओ। एक मारेगा शाला बढ़ जाएगा। अबे एक क्या, 10 मारेगा ना तो भी ये मुन्ना भाई हिलेगा नहीं। अच्छा तो फिर राजमा लो। उन्होंने नया बंगला खरीदा है, उनको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। 10 करोड़? अरे भांजे सुना तने, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई उनको। हमें, मैं अपनी दीदी को लेने आया हूँ, पैसा मांगने के लिए नहीं आया। पैसा मांगने नहीं आया तो फिर तू जा, मेरा यहाँ का काम। हाँ तो तू जा यहाँ से। मैं जा तो रहा हूँ। तो जा ना यहाँ से। ना ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, कितना टाइम लेगा जाने में? ये तो बड़ी इंसल्ट कर दी तने मेरी। ना मैं जा रहा हूँ। अच्छा भाड़े, तूने आज है ना अपने मामे का दिल तोड़ा है। तोड़ा है तूने दिल। अरे जिंदगी और पैसा कमाने का सपना देखा, और आज जब पैसा मिल रहा है तो उसे लात मार रहा है। पर मैं भी है ना तेरा दिमाग ठीक करके रहूंगा। ठीक हो रहा बाबा? ये ले बालिके, तेरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जाओ बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, केक वाले बाबा जी। पापा जी, अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की ना तो मैं आपके पैर में क्या पूरे बदन में गुदगुदी कर दूंगा। पैर छोड़, पैर छोड़। बोल तुझे क्या दुख है? दुख की स्टोरी इस तरह है कि मेरा एक है ना भाड़जा है, नाम उसका है राजा। मैं ना बहुत प्यार करता हूँ उसको। मैंने है ना उसकी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी दांव पे लगा दी। जबकि मैं है ना उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, ज्यादा हैंडसम हूँ, ज्यादा डैशिंग हूँ। क्या बात कर रहे हो बाबा जी? मैं थोड़ा छोटा हूँ, थोड़ा काला हूँ, थोड़ा मोटा हूँ, लेकिन मेरी बाकी बॉडी है ना एकदम सलमान खान की तरह है। जानम समझा करो, जानम समझा करो बाबा जी, समझा करो। और ऐसा कुछ कर दो कि मेरी करोड़पति लड़की से शादी हो जाए, ताकि मैं ना दुनिया के किसी भांजे पे डिपेंडेंट ना रह सकूं। अरे इस बाबा की ताकत को तू जानता नहीं, अगर मैं चाहूं तो हवाओं का रुख बदल कर पहाड़ों में सुनाख कर दूं। जानता है ये क्या है? ये चाकू है। चाकू के नीचे क्या है? चाकू के नीचे केके है। केके नहीं, केक है। केक? हाँ केक है। ये कोई मामूली केक नहीं, बाबा का केक है। असर किए बिना वापस नहीं आता। ये ले बालक, ये केक तू जिसको खिलाएगा वो तेरे प्यार में दीवानी होकर ऐसे भागेगी जैसे मजनू के पीछे लैला, रोमियो के पीछे जूलियट, उसके पीछे वो, उसके पीछे ये, तेरे पीछे कौन? समझ गया? समझ गया, समझ गया, समझ गया मैं। सेक्रेटरी, वो 20 लाख का जो चेक है ना, वो खन्ना एंड खन्ना कंपनी को भिजवा देना। 20 लाख? हेलो, अमेरिका से
एक मिनट मैडम, आपका अमेरिका से फोन। अमेरिका से? हेलो, लक्ष्मी स्पीकिंग। अच्छा, वो आपकी कंपनी में हमारा जो एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया है $3,00,000 का, वो पेमेंट 7 दिन के अंदर भिजवा दीजिए। ओके। ओ देवी जी नमस्कार। घबराओ नहीं, मैं तो आपको बस ये केक खिलाना चाहता हूँ। केक? हाँ, आज मेरा है ना हैप्पी बर्थडे है जी। ओ जी, खा लो ना जी, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। एक तो मेरे भाणजी ने मेरा दिल तोड़ा है, और अगर आपने भी मेरा दिल तोड़ दिया ना तो मैं तो पूरा ही टूट जाऊंगा जी, और टूटा हुआ मैं बड़ा अजीब सा लगूंगा जी। ओके ओके जी। लूसी माय लिटिल गर्ल, आज इनका बर्थडे है ना, चलो केक खा लो। ने अगर केक खा लिया तो शादीलाल के पीछे शादी करने के लिए भागेगी। शादीलाल भाग भाग। अरे लूसी कम बैक, लूसी। अरे शादीलाल भाग, अरे अरे आ रही पीछे, अरे अरे बाहर है, अरे पेड़। अरे मेरी माँ, अरे बस कर, बचपन से आज तक मैं कभी पेड़ पे नहीं चढ़ा, लेकिन कुतिया की बच्ची तूने है ना मेरे को आज पेड़ पे भी चढ़ा दिया। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चली जा। अरे चली जा, मेरा इंतजार क्यों कर रही है तू, अरे चली जा। बाबू भाई, प्लीज 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 बाबू भाई, बाबू भाई मेरे पास, बाबू भाई प्लीज प्लीज, रुके रुके रुके, मेरे पास 10 करोड़ रुपए बाबू भाई। 10 करोड़? 10 करोड़? सेठ जी, सेठ जी क्या है? सेठ जी आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? कल रात को मेरी माँ बेहोश हो गई, मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ रेणुका, खाने में क्या भेजोगी? अरे नहीं, चपाती मत भेजना, चावल भेजना, चावल। हाँ ठीक है, हाँ उसे। एक मिनट लाइन पे खड़ी रहे, लाइन पे रहे, लाइन पे रहे। हेलो, हाँ रामचंद्र जी, हाँ बोले बोले। हाँ आपकी लिस्ट मिल गई है, मैं जरा ये चेक करके देखता हूँ दुकान में सामान है कि नहीं। है? लाइन पे रही, लाइन पे, एक मिनट लाइन पे। गोपी हाँ, जरा चेक कर सामान है कि नहीं दुकान में, है? जल्दी कर, बता मुझे, बता। हाँ भाई, तेरी माँ बेहोश हो गई। हाँ, बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 5 बोतल खून चाहिए, तो ब्लड बैंक से 5 बोतल खून खरीद के जब वापस आया तो उन्होंने बोला 5,000 रुपए काउंटर पे भरने पड़ेंगे। तो 5,000 रुपए जब काउंटर पे, छोटे के लिए चाहिए, अपने पास बड़े के लिए? अच्छा, छोटे के लिए नहीं है। हेलो, देखो छोटे के लिए नहीं है, बड़े के लिए चलेंगे। चावल में केले कैसे मिलाओगे? अरे अरे रेणु रेणु, तुम हो, तू रामचंद्र के साथ वहां क्या कर रही हो, हैं? अरे एक काम करो, चावल के साथ अंडा करी भेज दो, ठीक है? और लाइन पर रहो, लाइन पर रहो। हेलो, देखो छोटे केले नहीं है, अंडा करी है, भेज दूं? अरे नहीं नहीं रामचंद्र जी, क्षमा जाता, मेरा मतलब छोटे केले नहीं है, बड़े केले हैं, चलेगा? हैं? हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ, लाइन पर रहो भाई। उफ, सेठ जी। हाँ, तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ अस्पताल में बेहोश हो गई। यार तू, मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा, तेरी माँ बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, भरने के लिए 5,000 रुपए नहीं थे, तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, वो बोला मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपए। मैंने बोला 4 तोला? पेंट का 5 किलो का डिब्बा नहीं है, 10 किलो का है, चलेगा? अच्छा पूछता हूँ। सर जी, मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे चाहिए प्लीज। रुको एक मिनट। हेलो रामचंद्र, 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी, चलेगा?
शादी की बात कौन बोला? अबे साले तू अभी बोला शादी करनी है तेरी बहन की, तू बोला? सर जी मैंने बोला मेरी बहन की शादी, मेरी बहन की शादी। तूने बोला? सॉरी सॉरी। पेंट। हाँ पेंट का 10 किलो का डिब्बा चलेगा ना? हाँ ठीक है, तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ भाई, हाँ तो तू, तेरी माँ की शादी? मेरी माँ बेहोश हो गई है? शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश, बेहोश हो गई। मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसकी माँ? ताला नहीं है अपने पास है? ताला नहीं है अपने पास, खाली कड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको। हेलो हेलो, हाँ कड़ी है, कड़ी है। अंडे में कड़ी कैसे डालूं? अरे अंडे को तू है क्या? लाइन पर है, लाइन पर है, एक मिनट। ओफो, हेलो रामचंद, ताला नहीं अंडा है, भेज दूं क्या? कड़ी 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 चलेगी है? हाँ तो ठीक है, कड़ी भेजता हूँ, लाइन पर रहो, उसको भेज दो ना भाई। हाँ भाई, तेरी समस्या क्या है? सर जी मेरी बहन की शादी है। सेठ जी मुझे पैसे चाहिए, मैं कुछ भी गिरवी रखने को तैयार हूँ। सेठ जी गिरवी? तू? हेलो हेलो रेणुका, जरा लाइन पे रहना, बताता हूँ। हाँ रामचंद, लाइन पे रहना, बताता हूँ। हाँ तो तू अपनी माँ को अस्पताल में गिरवी रखे आया, बेहोश हो गई, अस्पताल ले गया, खून खरीदा, डॉक्टर को पैसा दिया। अरे तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन हुआ, माँ मर गई। हेलो रेणुका, तूने जो भी तैयार किया ना भेज देना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हाँ तो भाई, तेरी बहन मर गई? मेरी बहन मरी नहीं है, उसकी शादी है। आपको पैसे देने हैं दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, बकवास सुनने नहीं है आपके यहाँ। अरे जा, कितना अकड़ रहा है, कितनी बार उधार ले चुका है तू है? अब अकड़ के जा रहा है अभिमानी, इसका घमंड देखो। अरे गोपी, इसको पकड़ो साले को, कमीने को छोड़ना मत। कितनी बार उधार लेकर गया है, अकड़ रहा, रावण की औलाद है कमीना साला। तो तेरी माँ बेहोश हो गई? बेहोश हुई तेरी माँ? बाहर में जाए तेरा पैसा, बाहर में जाए नौकरी, बाहर